हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कई सारे दोस्त एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों से ये एक सवाल मिल रहा है कि सर, मैंने एक फिल्म कहानी लिख ली है, एक फिल्म स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार है, उसका मैं क्या करूं? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि आप ऐसा पूछ रहे हो कि मेरे पास एक हीरा है, उस हीरे का क्या करूँ? मेरे पास एक सोने की अंगूठी है, उसका मैं क्या करूँ? दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो गलत फील्ड में हो या फिर आप अभी तक तैयार नहीं हो। अगर आप गलत फील्ड में हो तो आपका जो फील्ड है जिसमें आप सफलता हासिल करोगे उसके लिए कोशिश करो, नहीं तो तैयारी करो, ठीक है? अगर आपके पास एक हीरा है तो आप जौहर के पास जाओगे, अगर आपके पास एक सोना है आप एक सोनार के पास जाओगे, अगर आपके पास एक फिल्म की कहानी है, फिल्म का स्क्रिप्ट है, आप प्रोडक्शन कंपनी के पास जाओगे। मैं पिछले कई सारे वीडियो ट्यूटोरियल में ये बात बता चुका हूं कि सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एक स्क्रिप्ट नहीं खरीदती, कई बार एक्टर भी स्क्रिप्ट खरीद लेते हैं, कई बार फिल्म डायरेक्टर स्क्रिप्ट खरीद लेते हैं। खरीदने से मेरा मतलब है कि एक मोटी रकम आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट इस तरीके का बनेगा कि अगर ये फिल्म बनेगा तो आपके स्क्रिप्ट के ऊपर ही बनेगा, क्रेडिट मिलेगा और जो भी फीस है वो भी मिलेगा, ठीक है? तो इंडस्ट्री में काम किस तरह होता है उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। आपने एक कहानी लिख दी, उसका करना क्या आप नहीं जानते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस फील्ड के लिए तैयार नहीं। आप कहोगे कि सर, मैं रहता हूँ बहुत दूर, मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, तो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी को कैसे अप्रोच करूँ? फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ईमेल इसलिए रखा है, ठीक है? जवाब इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि ऐसे फिल्म राइटर तैयार नहीं रहते हैं, उनको कई सारी बातों का समझ नहीं होता है। इधर उधर से थोड़े बहुत ज्ञान बटोर के वो स्क्रिप्ट तैयार कर देते हैं, लेकिन उनको वो नजर नहीं आता उसके स्क्रिप्ट के अंदर लूप होल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई जवाब नहीं देते हैं। जवाब तभी मिलता है अगर उसमें कोई बात हो, लेकिन ऑप्शंस हैं आपके हाथ में, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपके पास फिल्म स्क्रिप्ट है, फिल्म कहानी है, अगर वो वाकई में रेडी है तो भेजना शुरू करो। मैं आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप बाय कोरियर या फिर बाय पोस्ट भेजोगे या तो वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में लग सकता है, अगर उसमें पोटेंशियल रहा तो वो अपना नाम देख के एक नया कंटेंट तैयार करके मार्केट में छा सकता है जो आप हरगिज नहीं चाहोगे, या फिर दूसरा चीज जो होगा, अगर प्रोडक्शन कंपनी के हाथ ही लगा वो स्क्रिप्ट तो वो रिटर्न कर देंगे, फॉरन रिटर्न कर देंगे, जिस एड्रेस से आया है उसी एड्रेस पर रिटर्न कर देंगे, या फिर पोस्टमैन या फिर जो कुरियर बॉय है उसको स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? तो बाय कुरियर बाय पोस्ट मत भेजिएगा, ये दोनों नुकसान हो सकते हैं। तीसरा चीज, जब आप ईमेल में भेजोगे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मत भेजो कि सर आई एम पुअर, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, आई डोंट हैव द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, बट आई कैन एश्योर यू आई कुड प्रूव माई सेल्फ लेटर ऑन इफ आई गेट वन सिंगल अपॉर्चुनिटी। अगर इस तरीके की जो ईमेल भेजते हैं वो आगे पढ़ेंगे ही नहीं। सिंपल लिखिए कि सर मेरा ये स्क्रिप्ट है, पढ़िए, पसंद आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर पसंद आ गया दोस्त, आप दूसरे गैलेक्सी में भी रहते हो, एलियनशिप आपके लिए बनाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? तो आप इसके हिसाब से आप खुद को तैयार रखिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आगे से इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे कि फिल्म स्क्रिप्ट, फिल्म स्टोरी मेरे पास है, उसका क्या करूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।